हेलो दोस्तों, क्या अर्थ के बाहर कोई जीवन है और अगर है तो वो कहाँ है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के प्रयत्न में वैज्ञानिक वर्षों से लगे हुए हैं। हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं हमारे पास मौजूद टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप की मदद से, लेकिन अर्थ के बाहर हमें जीवन कहाँ मिलेगा? क्या हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल यानी मार्स पे? काफी समय से माना जाता था कि शायद मंगल पे जीवन है, कई कहानियां बनी मार्शियन एलियन पे, लेकिन क्या सच में यहाँ जीवन है? आज तक दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज, नासा, हमारा इसरो, चाइना का CNSA ने कई ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर यहां भेजे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है जो शायद हम नहीं जानते। कुछ ऐसे सबूत है जो ये बताते हैं कि शायद यहाँ कभी जीवन था और यहाँ शायद कभी कोई सभ्यता भी रही होगी। मैं आज आपको इस वीडियो में कई ऐसे तथ्य और थ्योरम बताऊंगा जो शायद आपको अपने पड़ोसी ग्रह को देखने के नजरिए को ही बदल दे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन कॉस्मोस। दोस्तों, जब भी हम मार्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है अर्थ जैसा एक प्लैनेट जो आज वीरान है। दोस्तों, इसे रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, लेकिन क्या हम इसके बारे में कम्प्लीटली जानते हैं? क्या ये प्लैनेट हमेशा से ही ऐसा था? वैसे नासा ने कई रोवर जो रोबोट्स होते हैं उन्हें मार्स की स्टडी के लिए भेजा। उनमें से एक था पर्सेवरेंस, जो यहाँ मार्स के सतह पे घूमते हुए कई सारे तस्वीरें लिया और इस ग्रह की जानकारी हमें दी। इन्हीं तस्वीरों में से एक बेहद अजीब था, जिसमें एक आर्टिफिशियल दरवाजा जैसा आकृति दिख रहा था, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है। वैज्ञानिक इस बात का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे कि इस दरवाजे जैसी आकृति वहां कैसे आई, लेकिन ये एकमात्र एविडेंस नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं यहां जो अनएक्सप्लेन्ड है। सबसे अजीब केस हुआ था 1988 में, जब हमारे अर्थ पे अंटार्कटिका में खोज पे गए वैज्ञानिकों को वहां बर्फ के नीचे दबा एक अजीब हल्का हरे रंग का रॉक मिला। पहले तो ये किसी मेटोराइट का टुकड़ा लग रहा था, जिसे स्पेस रॉक भी बोल सकते हैं। इसे फर्दर स्टडी के लिए नासा भेजा गया, जहां इसको नाम दिया गया ALH84001। इस तरह के मेटोराइट या रॉक को पहले कभी नहीं देखा गया था। ये सच में दूसरी दुनिया से आया हुआ लग रहा था, इसलिए वैज्ञानिकों को इसके बारे में जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई। वैसे किसी मेट्रियोर या एस्टेरॉयड में काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है। किसी उल्कापिंड के स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और आइसोटोप्स की स्टडी करके उस उल्कापिंड की ओरिजिन यानी वो कहां से आया है ये बताया जा सकता है। और इस रॉक की स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये मार्स से आया है, जो लगभग 1,60,00,000 साल पुराना है। शायद उस समय का है जब उल्कापिंड मार्स से टकराया होगा, जिस वजह से काफी सारे रॉक या चट्टानें स्पेस में बिखर गई होंगी और स्पेस में काफी देर मौजूद रहने के बाद कुछ रॉक अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से अर्थ पे आ गए होंगे। इसलिए इस 2 kg के चट्टान को आप टाइम कैप्सूल भी बोल सकते हैं, जिसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी जिससे हम अभी तक अनजान थे। प्राइमरी स्टडी से ज्यादा कुछ डिटेल नहीं मिला, लेकिन 1991 में नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे फिर से स्टडी करना स्टार्ट किया और इसके कई टुकड़े कर दिए। लेकिन इस बार उन्हें जो मिला वो चौंकाने वाला था, जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को अचंभे में डाल दिया। वैज्ञानिकों को इस रॉक में फॉसिलाइज्ड वॉर्म मिला, यानी एक वॉर्म के शेप का फॉसिल। ये कंप्लीटली फॉसिलाइज हो चुका था, यानी उसके अब बस निशान ही मौजूद थे। ये ऐसा पहली वस्तु थी, चाहे वो रॉक हो, मेटियोर हो या एस्टेरॉयड हो, जिस पे धरती के बाहर के किसी भी जीवन के संकेत मिले थे। ये काफी बड़ा ब्रेक थ्रू था कि शायद ये विज्ञान की दिशा को ही बदल सकता था। लेकिन इस बात के बाद इस रॉक से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई और ना ही नासा की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया। क्या नासा ने दुनिया से कुछ छुपाया? क्या इस रॉक में सच में कुछ ऐसा मिला था, या ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी? इस बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इस बात के वैज्ञानिकों को प्रमाण मिले हैं कि मार्स पे पास्ट में समुद्र और नदियां दोनों मौजूद थे, जिसके सबूत आज भी मार्स के सरफेस पे दिखाई देते हैं। यहाँ रिवर बेसिन आज भी मौजूद है। अगर जल था तो जीवन भी रहा होगा। यहाँ सारे कंडीशन मौजूद थे जो जीवन के लिए
जरूरी है। यहाँ टेम्परेचर जीवन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट था। ये सब चीजें बताती हैं कि मार्स पे कभी पास्ट में जीवन जरूर रहा होगा, या तो हो सकता है आज भी किसी तरह का जीवन वहां मौजूद हो। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी मार्स पे रिसर्च करने के लिए स्पेसक्राफ्ट, लैंडर, रोवर भेज रही है। शायद एक दिन हमें वहां जीवन होने के पक्के सबूत मिल जाए, लेकिन तब तक के लिए ये बात कि मंगल पर जीवन है या नहीं एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हम इस बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।